आ देख रहे हैं तुसी रोपड़ जिले का मुख कस्बा है परखाली। इधर यह सड़क परखाली तो बिंदरख जो कि इतिहासक स्थान है बाबा अमरनाथ जी का जिन्होंने दसम पातशाह जी ने आ पाके दर्शन दिते सी उन्होंने चरणों में उन्हें शरीर छड़िया सी। बड़ा भारी हर एतवार को इकट्ठ हुंदा है, लोहड़ी का बड़ा मेला लगता है। अगे खिजराबाद नूं होके रोड ब्लाक माजरी पहुँचता है, कुराली नूं भी जुड़ता है तो न्यू चंडीगढ़ नूं भी तो चंडीगढ़ नूं भी जुड़ता है। पर समस्या रही है कि यह बड़ी नदी है, काफ़ी पिंड घाट के पहाड़ी खेत्र दे इस नाल जुड़े हुए ने, रोज़ मुलाजम भी जाते हैं, बीमार भी जाते हैं, इत्थे गड्डियां दे राही बहुत समय तो मंग की जाती सी पुल की, पर पुल नसीब ना होया। हर साल मेले के उत्ते सियासी पार्टियां दे आगू सियासतां करते रहे, नीह पत्थर रखते रहे, आखिर जाते हुए चरणजीत सिंह चन्नी मंजूरी दे गए, पुल का कम भी शुरू हो गया, सरकार बदल गई। हुण तुसीं देख रहे हो कि पिलर अध विचाले खड़े ने, काम बंद है। और सामने तुसीं देख रहे हो जिथे कि लेबर दे रहण दे लई थां बनी सी, कोई लेबर नहीं दिख रही, कोई ठेकेदार नहीं दिख रहा, सिर्फ समान शटरिंग का पिया है, होर किसी तरह का कोई समान भी नहीं। वह भी तुहानू दिखावांगे। अज के जो ये हालात ने, लोगों को आस जागी सी, खुशी हो गई सी, बड़े लड्डू वंडे सी, पर आखिर लोगों ने फिर मायूसी हुई है, एक बार मन टुटिया कि पुल फिर अध विचाले रह गया। जानते हैं आपां इत्थों राहगीरां तों इस बाबत किहड़ा पिंड है जी? अपना परखाली पिंड है जी। परखाली तो है तो नदी काफ़ी टाइम तो तुसी देखते हैं बहुत बड़ी नदी है, तो संपर्क अगे चंडीगढ़ नाल भी जुड़िया होया है। हाँ लंबे समय तो मंग सी पुल शुरू हो गया, खुशी हुई होगी। हाँ जी पुल देख लो जी, शुरू होने भी काफ़ी टाइम हो गया, पहला 3 महीने कम रुके रहा, हूँ फिर कम रुकया भाजी, तो हूँ कम रुक गया मुड़के, हूँ की आस लगती है? आस तो हूँ बंदे भी की ना कहना जी, मतलब कोई समान नहीं इतने पे देख लो जी, कोई की लगता तुहानू जदों टेंडर पास हो गए, पैसा आ गया, पुल शुरू हो गया, पिलर बनने तो सरकार बदलते ही छड़ के चले गए, फिर की कारण की है? सियासत ही है, ये सियासत मान सकते आप जी, हूँ जो काम आते बेचारे रुक गया, तुम सामने कोई मशीन नहीं, कोई इतने कोई बंदा नहीं इतने जी। चलो इसके पिछले कारण की है असं भी पुछांगे, पर तुसी इलाका वासियों ने कदे जिहड़े तुहाडे हलका विधायक ने शायद दिनेश चड्डा जी, उन्होंने मिले होंगे किसी सरकारी दरबारे गए होंगे कि क्यों साडे पुल का कम रुक गया? नहीं अजे कोई नहीं गल हुई कितने जी, उदे सली साहब आए थे, उन्होंने इंटरव्यू करी दी इतने, मुड़ के कोई गल नहीं, जानू महीना चलिया जी, नहीं कदे पुछया नहीं कि साडा हुण पुल रुक गया कि इसे सिरे लगा दिता जाए, मसा एक आस जागी सी? नहीं जी किसी ने नहीं पूछा जी। की चाहते हो कि इधर चाहते जी पुल लग जाए छेती, और अपना संपर्क चंडीगढ़ 20 किलोमीटर जी 25 सारी मुश्किल कितनी आती है? वादू मुश्किल देखे ना वीडियो जो गड्डियां फसिया भी दे, कितने पहले मोटरसाइकिल हट हट गए, कितने साइकिल भी हट गए, कोई पूछ नहीं रहा जी सरकार, तो थोड़ा पता जी सियासत चल दी, चीमा साहब ने अगर पत्थर रखे था मुड़के उन्हें 5 साल आया जी। तुहाडा केड़ा पिंड है जी? हिरदापुर है। हिरदापुर तो इतने नेड़े ही पैंदा ना? हाँ जी। इधर कितों तुसी आने जाने हो? इधर काम ते आए जी। काम नू जाने हो, इत्थे नू रोजाना लंघते होंगे दोनों टाइम? हाँ जी हाँ जी। फिर हुण की देख रहे हो? पुल शुरू होया सी फिर हुण बंद हो गया, तो बहुत बुरा हाल है जी उरे दा। ते हुण साडे नाल ए भी कोई पहुंचे ने, बापू जी केड़े पिंड तों आए हो? परखाली। परखाली तुहाडा मेन है कस्बा है, इत्थे नू रोजाना लंघते होंगे, पुल बारे की कहना तुहाडा? पुल बारे पुल दा काम रुकया, बंद होया वा, बस बाकी लोग तंग हो ही रहे हैं। एक पासे तुहानू खुशी होई सी, आस जागी सी, फिर हुण मुड़के बंद हो गया? फिर राजा होनी है उहदे नाल, क्या उह तां पता ही है वी हुण बंद हो गया। नहीं चलो साडा हक है फिर किते, उहनां नूं जिन्हां नूं वोटां पाईआं सी जां नहीं, वी चलो जिहड़े सरकार है नुमाइंदे उहनां नूं पुछिआ नहीं किते कुछ, असीं किहनूं पुछांगे? नहीं साडा हक आपां वोटां पा के इसलिए चुणदे कि साडी सहूलत सानूं प्रदान होवे। रुक गया तो कहिंदे वी शुरू हो जाणा जे, तां बस बंद नहीं होया वी काम, किथे चली गई इत्थों? ठेकेदार चले गया, समान चुक लिया गया, तो पहली सरकार ने शुरू कराया सी, सरकार बदलने बाद एक तो यह होंगे कि हले पैसा नहीं खजाने दे, पहली सरकार ने पैसा भी इसलिए सेंक्शन किया हो, पैसा डिपोजिट हो चुके वा कहते पैसे, फिर की कारण मानते हो? क्या कारण दसिए जी, हम बस यही है सरकार दे ही समझो। इस एरिए सिर काढ़ा ते मोहतबर आगू अवतार सिंह पप्पी वह भी साढ़े नाल हाजिर ने। पप्पी जी बहुत समय तो सियासत इस नदी के पुल ते हुंदियां रहियां, बिंदरख मेले ते हर वारी आगू आउंदे सी, अकाली दल भी रहा, कांग्रेस भी आई, नहीं कुछ होया, पर आखिर वार जांदी वार थोड़े समय लई बणिया सी चरणजीत सिंह चन्नी इसका नींह पत्थर रख के शुरुआत भी हो गई, तो हुण की गल वी दूजी सरकार आई है तो कम रुक गया है? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत ही
लंबे समय तो जिस पुल दे विच असीं खड़े हैं नदी दे विच, इह परखाली और बिंदरख दे विचकार है। पहला अकाली दल की सरकार रही, उस समय भी सियासत की भेट चढ़ता रहा पुल। उसके बाद कांग्रेस सरकार आई, कैप्टन ने 5 साल लंघाते, फिर भी गल नहीं बनी। चलो जाण दे समय चरणजीत सिंह जी चन्नी जो मुख्यमंत्री जिन्हां नूं समा 3 महीने का ही मिलिया, उन्हां ने साड़ी ये इलाके की आवाज़ सुनी है और ये तुरंत जिहड़े पैसे है थोड़े समय में ही 9 करोड़ के लगभग ये पैसे जिहड़े ठेकेदार नूं पा दिते। पर हुण जिहड़ी नवीं सरकार आई है ये उस तों भी माड़ी लगती है, क्योंकि काम बंद होए नूं मेरे ख्याल भी 2 महीने होने वाले है। परे टोल लगे होने कारण लोग चंडीगढ़ तो लैके मलाक माजरी जिन्ना भी एरिया इतों रोपड़ नूं निकलता है तो इतों भी लोगों का माजरी सब तहसील के चंडीगढ़ नूं आना जाना है, मुलाजम जाते ने, कोई बीमार जाते ने, बच्चे स्कूलों नूं जाते ने, बरसात के दिनों में मुश्किल बहुत होंगी होगी। देखो जी पूरे 40 पिंड साढ़े घाट के जेडे साढ़े इलाके चंडीगढ़ के नाल समझ लो पुल जुड़िया होया है, पर जदों ये सानू हुण मुश्किल है जी, ये बच्चे भी पढ़न साढ़े परखाली आने, ये सानू हर एक पासे नू ये तंगी आ रही सी। जे सिरे चढ़ जाए तो इत्थे नू कोई बस का भी साधन चंडीगढ़ जाने वास्ते हो सकता। असी नवीं सरकार तो मंग करते भी हुण पैसे होंदे हुए भी ये काम क्यों खड़ा है, पैसे खजाने विच पाए हुए ने, पैसे पाए हुए ते 4 महीने इन्हां नू भी बने हो गए, असी तां कोई इन्हां दा बयान सब होए वे ने। हाँ जी कहिंदे ठेकेदार नू 9 महीने दित्ते सी, 9 महीने समां पूरा हो गया जी। अच्छा फिर वो किधर निकल गए हुण समान चक्के, इत्थे तां लेबर भी नहीं दिख रही। ये पता नहीं जी, कोई हुण सरकार नू जिहड़ी नवीं है उन्हां नू पुछणा चाहीदा है, उन्हां दा हक बणदा, क्यों पिछली सरकार जो अपने टाइम दे विच पैसे दे के इस काम नू चालू करा गए अपनी हाजरी दे विच, ये अगला जिहड़ा हुण 4 महीने हो गए इन्हां ने कदे कुछ ये पुल बारे कोई बयान नहीं लाया। असीं इन्हां तों मंग करदे भी ये पुल दा काम जिहड़ा तुरंत चालू कीता जावे। ये थां है लेबर दे रहण लई, कोई लेबर नहीं दिस रही, ठीक है एक कोई राखा जरूर रखा होगा जिवें थोड़ा बहुत समान पिया है, जिवें मच्छरदानी लगी है, सिर्फ ये प्लेटा पईयां ने शटरिंग दियां, होर किसी तरह ना कोई लेबर ना कोई होर मेट वगैरह जो छड्या गया है इत्थे ठेकेदार वल्लों। ये देख रहे हुण तुसीं बरान पिया है, हो सकता लोग कहने भी शुरू भी होवे पर हजे आस टुट गई लगती है ये हालात देख के। अपने चड्डा साहब जी बिंदरख नदी दे विच खड़े सीगे जी, इत्थे जिहड़ा काम चल रहा सी हुण रुकिया होया जी, कारण की है जी? कारण इह जी पिछली सरकार ने नीह पत्थर रखिया गल्ला जी, ते हुण इहदा जिहड़ा फंड बंदोबस्त है असीं करके काम आपां करावांगे। नहीं कुछ काम भी शुरू होया सी, पिलर काफी विचों बन गए सी, कह रहे कि असीं 9 करोड़ रुपया पा दिता, इलेक्शन स्टार्ट दा उन्हें करता सी पर फंड दा बंदोबस्त नहीं कीता था जी। जे हुण जिहड़ी लोकां दी आस है भी ओह किवें पूरी होएगी, भी इह पुल बनेगा जल्दी, तुसीं साडा की कहना जी? हाँ जी हाँ जी, उहदे वास्ते फंड दा बंदोबस्त आपां गवर्नमेंट नाल जिहड़ा ओह परसू कर रहे हां, ओह करा के इहनूं पूरा करावांगे, क्योंकि ओह तां उहनां ने सिर्फ ऐलान कीता माड़ा मोटा मसला है। लोग खुद ए भी जानते ने, कह रहे ने कि पैसा तो जो पिछली सरकार वालों पा दिता गया सी, फिर काम बंद होने का कोई मतलब नहीं, ठीक है मीह के दिन नदी के आने तो काम बंद रह सकता सी, पर समुचे तौर पर ही बंद है, ना इतने कोई लेबर है ना कोई ठेकेदार है। देख रहे हो पिलर विचकार खड़े ने, हुणे खबरां तो बाद देखते हैं, अते विधायक दिनेश चड्डा जी नाल भी गल करांगे असीं कि काम जल्दी शुरू होंदा कि नहीं होंदा, लोगों नूं दुबारे आस बढ़ सके जिन्हां दी लंबे समय तो मंग सी। तुहाडे सारयां दे नाल रविंदर सिंह वजीतवर, खालसा टीवी चैनल न्यू चंडीगढ़।